नमस्कार मित्रों, मैं श्यामलाल बरवड़ कंप्यूटेशन क्लासेज हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, अदाबर्त खैर मकतब है। आज मैं फिर से जो अपना टॉपिक चल रहा था हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ रहे थे। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। आचार्य शुक्ल ने कवियों रचनाकारों लेखकों को किस तरीके से स्थान दिया, कहां से सामग्री जुटाई, वो सारा विवरण अपन अध्ययन कर रहे थे। उनका दूसरा पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं। मित्रों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा और नए नए वीडियो और तथ्यों के साथ में हर रोज आपके सामने हाजिर होऊंगा। समय की नजाकत देखते हुए अपन इस अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा, उससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो हम पढ़ ही रहे हैं। इससे पहले गा शादा ताशी, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह शेंगर, ग्रियशन, विद्वानों को पढ़ चुके हैं। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ रहे हैं, नगेंद्र को भी पढ़ लिया। शुक्ल जी ने किस तरीके से अपनी सामग्री को जुटाया, उन्होंने भी भरसक प्रयास किया अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानक भी है, ज्यादा मान्यता मिली हुई है। और आज के समय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बड़े लगाव से पढ़ा जाता है। देखिए मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कोई छोटा नाम नहीं है, हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। और परीक्षाओं में हमेशा इनकी कुछ न कुछ फैक्ट, तथ्य, परिभाषा, नामकरण, उपनाम, ऐसे सवाल हमेशा सवाल आते हैं। हिंदी साहित्य का पेपर होगा तो अमूमन काफी क्वेश्चन इसमें से उठाए जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इन्होंने लिखा। और अब शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कालखंड को वीर गाथा काल नाम देने के पीछे 12 ग्रंथों के आधार माना गया है। इन्होंने प्रथम कालखंड था, मैंने प्रथम कालखंड इनको बताया था जो पिछले वीडियो में, उसमें प्रथम कालखंड को वीर गाथा काल, जो चार काल मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, प्रथम कालखंड वीर गाथा काल या आदिकाल का था, तो उसको वीर गाथा काल नाम देने के पीछे 12 ग्रंथों का आधार माना है। इन्होंने उपजीवीय माना, इनके 12 उपजीवीय है, 12 आधार ग्रंथ है, जिसमें 12 का 12 मैंने यहाँ पे लिखा है, आप आराम से ध्यान दीजिए। खुमान रासो, जिसके रचनाकार है दलपति विजय, जो 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। परमार रासो, लिखने वाले जगदिक है, कई बार परीक्षाओं पूछा जाता है। विषमदेव रासो, नरपति नल, इसमें भी चार भाग है, राजमती का प्रेम विवरण है इसमें, अजमेर के शासक विषमदेव और राजमती के बीच में प्रेम वर्णन किया गया है। विषमदेव रासो, नरपति नल। हमीर रासो, जोधराज या सारंगधर। पृथ्वीराज रासो, चिर परिचित है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। विजयपाल रासो, नरपति नरसिंह, विजयपाल रासो नरसिंह। कीर्तिगता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति, पदावली विद्यापति, जय मयक जश चंद्रिका मधुकर भट्ट, और जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने लिखा, और अमीर खुसरो की मुगलियां अमीर खुसरो ने लिखी। इन 12 ग्रंथों को इन्होंने आधार मानकर वीर गाथा काल नाम दिया है। प्रथम कालखंड था वीर गाथा काल या आदिकाल, जो शुक्ल जी ने नाम दिया था अपने चार भाग, जिसके दोहरी नामकरण पद्धति को अपनाया था। दोहरी नामकरण पद्धति में प्रत्येक काल को दो नाम दिए, चार भागों में बांटा, जिसमें पहला था आदिकाल और उसको वीर गाथा काल भी कहा था। तो वीर गाथा काल कहने के पीछे इन्होंने 12 ग्रंथों को आधार माना, और 12 ग्रंथों को आधार मानकर आदिकाल को वीर गाथा काल भी इन्होंने कहा है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको अच्छी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लें और याद रखें, हर बार परीक्षा में आता है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि आचार्य
रामचंद्र शुक्ल के प्रथम कालखंड वीर गाथा काल नाम देने के पीछे इनमें से किन ग्रंथों का संयोग रहा या किन ग्रंथों को आधार माना इसमें से दे देंगे मिलान वाले क्वेश्चन, तो उसमें ये 12 का 12 सेट हो जाएंगे। तो कैसे भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं वीर गाथा का नाम देने के पीछे 12 ग्रंथों को आधार बनाया गया। फैक्ट अभी पढ़ा, वीर गाथा नाम देने के पीछे 12 ग्रंथों को आधार बनाया गया। उनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन रचनाओं को अपभ्रंश की कोटि में रखा, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 ग्रंथ है जो वीर गाथा का नाम दिया, नाम देने के पीछे उन्होंने 12 जो ग्रंथ है उनको आधार माना और आधार मानकर उन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल का। अब यहां कहा है कि अपभ्रंश की कोटि में रखा, ऐसे कौन से 12 ग्रंथों में से ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिनको आधार मानकर उन्होंने अपभ्रंश की कोटि में रखा? तो पहला है कीर्ति पताका विद्यापति, कीर्ति लता, हमीर रसो और विजयपाल रसो, ये ऐसे 4 ग्रंथ है जिनमें आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश की कोटि में रखा है। शेष सभी रचनाओं को देश भाषा काव्य में रखा, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। शेष 4 ये आप निकाल दीजिए, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, हमीर रसो, विजयपाल रसो, 4 निकालने के बाद पीछे वाले जो ग्रंथ है वो देश भाषा काव्य कोटि में रखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश भाषा काव्य कोटि में इन्होंने रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 12 ग्रंथों में जयमय जसचंद्रिका तथा जयचंद प्रकाश ग्रंथ अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है। ये प्रमाण कहां से मिले इनको कि भाई जयमय जसचंद्रिका तथा जयचंद प्रकाश ग्रंथ अनुपलब्ध है, ये प्रमाण मिले हैं इनको बीकानेर के कवि, बीकानेर रियासत के कवि दयाल दास खींची और उनकी रचना है राठौड़ारी ख्यात। राठौड़ारी ख्यात रचना में इनका प्रमाण मिलता है, इनका इनका इन ग्रंथों का प्रमाण मिलता है। जय जसचंद्रिका और जय चंद प्रकाश, इन दोनों ग्रंथों का जो प्रमाण है बीकानेर के कवि दयाल दास खींची, उसकी रचना है राठौड़ारी ख्यात, उनमें इनका प्रमाण मिलता है। हालांकि यह ग्रंथ अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है, धरातल पर नहीं है, मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1000 कवियों एवं रचनाकारों का अपने काव्य ग्रंथ में उल्लेख किया है। कितने कवि? 1000 कवियों का, 1000 कवियों का अपने इतिहास ग्रंथ में इन्होंने उल्लेख किया है। मित्रों आज इतना ही, कल मैं नए वीडियो के साथ आऊंगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जुड़े हुए नए तथ्यों को लेकर आऊंगा। इसी मैटर पे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना ग्रंथ लिखा, इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1929 में लिखा, उनसे जुड़े हुए फैक्ट तथ्य मैं अगले वीडियो में और लेकर आऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैं आपका अति आभारी रहूंगा। नमस्कार।